मैंने वो निशान शायद को दिखाए। अजीब से लग रहे थे आधे आधे, जहाँ पर चूना नहीं लगा था वो छपे ही नहीं थे। शायद ने मुझसे कहा, तुम अच्छी जासूसी करती हो, चोरों को पकड़ सकोगी। पर पुलिस तो चोर उंगलियों के निशान से पकड़ती है। मेरी हथेली और उंगलियों पर छोटी छोटी जो रेखा थी वो छप रही थी। साथ के हाथ की जो रेखा थी वो अलग थी, तोते की चोंच जैसी। और नेहा के हाथ में बिलिया थी। बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, कहो कहां से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो। हमारे घर एक बिल्ली रहती थी, वो रात के टाइम पे आई थी। मेरे पापा ने हमको बताया तो वो आ गई घर लेके, तो ना मेरी मम्मी ने भगा दी, तो ऊपर जाके पुलियों में चले गई। पुलियों में चले गई तो पुलियों में रह लगी उस दिन से। हाथ लगाने से जब उसको कुछ खाते हैं, जब तो नहीं खाती है, जब उसको छिड़ाते हैं जब वो खा जाती है। मेरा मोर देख के साहिद ने भैंसा छापा। साहिद ने कहा कि उसने भैंसा छापा है, लेकिन वो तो हाथ का निशान लग रहा था। मैं भी छापूंगा अपना कछुआ। नहीं, शेर, मछली, खरगोश, मैं सब छापूंगा। इससे तो नहीं छपेगा। इससे छप सकता है। लेकिन इससे छप जाएगा। पत्तों से तो बहुत कुछ छप गया। Yeah.
बादल घिर घिर आए, रिम झिम जल बरसाए। नाच बाग में सुंदर मोर, आओ भाई करके शोर। कुछ चीजें छापने से पहले पता ही नहीं चलता था क्या क्या छप जाएगा। फिर पहरे दुबार मछली का बच्चा नदी में से निकला, अब्बू ने पकड़ा, अम्मी ने पकाया, गरम गरम खाया, बड़ा मजा आया। रात को मछलियों को बत्तख खा जाएंगे, मेरे पंछियों का क्या होगा, ये वो फूर से उड़ जाएंगे। मेरा पापा परसों खरगोश लाया, वो सफ़ेद रंग के हैं। हम दड़वे में बंद करते हैं उनको, और गेहूँ घेरते हैं उनके दाना, और बाजरा भी घेरते हैं, और बरसम भी खाते हैं वे। मैं अपने जानवरों को घर लेकर आई। दीदी मान नहीं रही थी कि मैंने छापी है, लेकिन उसको पसंद जरूर आए। मुझे देखते ही पता लगा था कि भिंडी से छपाई की थी। सुबह सुबह पड़ती है सीटी सुनाई, मेरी
जितनी तरह की अलग अलग सब्जियां उतनी तरह के डिजाइन। कभी रंग कम हो जाता था, कभी ज्यादा। मछली पकड़ने तो हम हर साल जाते हैं, लेकिन उन जगहों में जाते हैं जब इतना पानी हो जाता है तो वहाँ खड्डे होते हैं, उनमें जाते हैं तो भयानक पापा ले जाते हैं हाथी कुंड में हमें। थोड़ा पानी होता है तो हाथ से पकड़ते हैं, ज़्यादा लंबा पानी होता है, गहरा होता है तो जाल से और कांटे से पकड़ते हैं। जब पकड़ते हैं तो एक चुप बैठना पड़ता है एकदम, आ जाते हैं फिर पकड़ के बहुत सारी मछली ले कर आते हैं। मछली सिंगी और सोलिया एक और कई मछली है, मेरी याद नहीं है नाम। हमने प्याज के छल्ले निकाले, छोटे और बड़े गोले, उससे तरह तरह के डिजाइन बने। कटे हुए प्याज की रेखा बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्रिया मीनाक्षी, तुम यकीन नहीं करोगी ये डिजाइन मैंने बनाए हैं। पहचान सकोगी काहे से छापे हैं? इन दिनों जो चीज हाथ लगे हम उसी से छापते थे। हमने आलू से ठप्पे बनाए थे, कुछ तिकोने और कुछ चौकोर। पहले बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन हम थोड़े ही समय में ठप्पे बनाने में उस्ताद बन गए। छापने में बहुत मजा आ रहा था। ठप्पा उठाओ, रंग लगाओ और छापो। पूनम ने एक डरावना घेरा बनाया जो एक आदमी को खा रहा था। इतना बड़ा होता है, उसकी पूंछ इतनी बड़ी होती है घेरा की, और वो ऐसे रहता है, उसका लंबा इतना मुंह होता है, ऐसे कर करके चलता है, ऐसे कर करके छिपकली जैसा ही रंग होता है उसकी, तो ये देखता है
पैर इतने इतने होते हैं इसके। धीरे धीरे आकर किसी को काट लेता है, आदमी मर जाता है। जब तुम छुट्टियों में आओगी तब तुम्हें भी सिखाऊंगी। ये मेरी मोहर है, यानी मेरी पहचान।